मूवी अच्छी है। हीरोइन कैसे, हीरोइन का काम सबसे अच्छा है, हीरोइन ने जो फाइट की है ना हाँ। वो सबसे अच्छा लगा। मनोज वाजपेयी का सर कैसे लगा? मनोज वाजपेयी का इतना अच्छा लगा, लेकिन हीरोइन का काम अच्छा लगा। सर कैसी लगी मूवी आपको? अच्छा अच्छा मूवी, मस्त है। हीरोइन ने काम कैसा एक्शन जो करी है? एकदम मस्त, बढ़िया एकदम। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी एकदम मस्त थी ब्रो। सर कैसे हीरो कैसे लगे आपको? हीरो इतना धांसू है कि पहली बार देखा हीरो को। कैसी लगी सर मूवी आपको? जोरदार थी भाई। कैसी लगी मूवी आपको? बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास। हीरोइन कैसी लगी? अच्छी, बेस्ट, एकदम बेस्ट। मनोज वाजपेयी सर कैसे लगे? बिल्कुल 100 में से 100 नंबर। हाँ सेकेंड हाफ मेरे को थोड़ा स्लो था, बट मुझे बहुत मजा आया यार। मतलब मनोज जी की 100th फिल्म है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कुछ एक फन फिल्म देख के आऊँ। एट द एंड जब मैं थिएटर से निकलूँ, मेरे को लगे कि यार फन टाइम था। एंड जेन्युइनली जो इमोशनल ड्रामा फिल्म का था, एक रिवेंज ड्रामा जो दिखाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्री की गई है, और फिल्म कहीं भी आपको क्रिंज नहीं लगती। जैसे कि आप जब टीज़र देखोगे, आपको लगेगा कि यार ये इतनी लाउड है, क्रिंज है, बट जो कि मुझे भी लगा था ऑनेस्टली टीज़र देख के। बट मैं जब ये फिल्म देखने गया था, मोर ऑफ थिंग्स बीन क्रिंज, इट वाज अ गुड इमोशनल ड्रामा। एंड रोमांस भी उनके बीच में, जोया एंड मनोज जी के बीच में जो रोमांस भी है, काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यूजुअली रोमांस जो अभी पोट्री की काफ़ी चीज़ी हो जाती है, एंड इट्स नॉट हैंडल्ड वेल, बट दिस वॉज अ गुड बैलेंस। हाँ सेकेंड हाफ मुझे कहीं ना कहीं लगा थोड़ी खिचड़ी थी फिल्म, थोड़ी खिचड़ी थी, बट इट वॉज अ गुड वॉच, इट वॉज अ गुड वॉच। 3 भैया जी, पहले तो सबको, यूट्यूबर को, आप लोगों को पहले नमस्कार। बहुत दिन के बाद आया मैं, 2-3 वीक के बाद आया हूँ मैं। और भैया जी बोले ना, एक ये शब्द है ना, यूपी बिहार में तो कोई नॉर्मल बात है, क्योंकि वहाँ तो चलता ही है, लेकिन यूपी बिहार छोड़ के ना, एक पानीपुरी नॉर्मल आदमी है, भैया जी पानीपुरी लगाओ, एक उस स्टाइल में। और भैया जी शब्द ऐसे मीठा है, लेकिन इस फिल्म के अंदर मनोज वाजपेयी के लिए जो भैया जी शब्द डाला है, बहुत ज़बरदस्त डाला है, क्योंकि वो स्टंट और एक्शन, जैसे यूपी बिहार में पहले ये वो जो कहानी है, जो पहले यूपी बिहार में ज़्यादा करी होती थी, नॉर्थ साइड में ज़्यादा होता था, उसकी कहानी है। और ऐसी फिल्म के अंदर अकेला लोड लेना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर अच्छा डायरेक्शन देना, इस वक्त जो माहौल है ना, ऐसी फिल्म रिलीज़ भी करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मनोज वाजपेयी ने भाई, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, ये कुछ ऐसे एक्टर हैं ना जो इस रोल के लिए फिट होते हैं, यानी उनको जो शॉट लेने से बजाय उनकी एक्टिंग निकालो अंदर से, जो ऐसे ना वैसी एक्टिंग है उसके, मनोज वाजपेयी के बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है उसकी। हीरोइन है जोया हुसैन, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे? जो विलन है पंजाबी एक्टर भाई, जोया हुसैन का तो मैं तारीफ करूँगा, वो इतनी मोटी है, हालांकि हीरोइन मोटी है, लेकिन उसने एक्शन बहुत ज़बरदस्त किया है। हाँ बहुत बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, एक्टिंग भी अच्छी है, एक्शन भी अच्छा है, और फिल्म के अंदर उसका भी रोल अच्छा है। मतलब 25% तो उसके ऊपर डाला है फिल्म के अंदर, आखिरी में एक्शन में पूरा पिक्चर उसके साथ में लिया है, उसके विलन के साथ में। लेकिन आपको बताऊँ मैं, स्टंट में बहुत ज़बरदस्त स्टंट लिया है इसके अंदर, और लगता भी है मनोज वाजपेयी यह स्टंट कर रहा है। क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को, पसंद आएगी सर मूवी? अरे ऑडियंस हड़ताल पे अभी। अच्छा हाँ, ऑडियंस हड़ताल पे, वो जो था ना पहले हम देखते थे, हाँ बड़ी बड़ी मेल हड़ताल पे, पब्लिक ही नहीं अंदर कोई नहीं है, वैसे सिनेमा हॉल का हो रहा है, अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है फिर भी पब्लिक ही नहीं है। अब ये जो देखते ना आप लोग, ये लोग ही खाली अंदर रहेंगे, ये 15-20-25-50 यही रहेंगे, लेकिन ऐसी फिल्मों को भाई देख, जो अच्छी फिल्म है तो अच्छी, मतलब ये ठीक ठाक फिल्म है, एकदम अच्छी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट ऐसे नहीं बोलूँगा इसमें, ठीक ठाक है, एक बार वॉच कर सकते, एक बार देख सकते हैं। रेटिंग क्या होगी 5 में से आपकी? देखो भाई ये फिल्म के हिसाब में मैं इसको 3 दे दूंगा मैं। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू।